सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्त तहे दिल से। तो आज मैं दिखाने वाला हूं, ये देख सकते हैं, ये मुरादनगर का स्टेशन है और ये जो दूसरा आने वाला है ये मोदी नगर साउथ का स्टेशन है। और यहां से मोदी नगर साउथ के स्टेशन से लेकर चलेंगे, आज मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन को दिखाएंगे, उसके बाद मैं आपको मेरठ साउथ का स्टेशन दिखाएंगे कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है वहाँ तक। तो बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए दोस्तों। तो चलिए आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो देख सकते हैं ये मोदी नगर साउथ का स्टेशन है, अभी वर्क चल रहा है और यहाँ से निकलते हुए चलेंगे आज मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन पर दोस्तों। तो देख सकते हैं कि बायोडक्ट क्लियर हो चुका है यहाँ तक का, जो कि मोदी नगर साउथ का स्टेशन क्रॉस करने के बाद मैं ये 8-10 पिलर कनेक्ट कर चुका है लॉन्चर, और उसके बाद में इस पर पिलर बनाए जा रहे हैं। कुछ तो पिलर बन चुके हैं, कुछ पे पिलर कैप का काम चल रहा है, कुछ पिलर भरे जा रहे हैं। तो वो सब कुछ आपको आगे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर। केपी संत लाता रहता और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी कितना कुछ बायोडक्ट क्लियर हो चुका है, वो सब आप लोग आज अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये सारे प्लर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और आगे आप लोगों को आने वाला है कि कहाँ कहाँ प्लर भरे जा रहे हैं, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो बने रहो तेजी के साथ में। और ये परियोजना आपको बता दूँ 18 में स्टार्ट हुई थी, फिर इसमें सन 2020 में लॉकडाउन लग गया तो कम पड़ गया था, फिर लॉकडाउन खुलने के बाद फिर इस पर तेज़ी से काम होने लगा। और आपको बता दूँ ये दिल्ली के सराय काले खां से स्टार्ट होता है और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके एंड हो जाता है। और ये 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, और ये 31,000 करोड़ की लागत से ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है। और पहली बार हमारा मेड इन इंडिया लेस है ये, और यहाँ पर ये पिलर कैप लगाया जा रहा है बीच बीच में, देख सकते हैं, क्योंकि इन पर दो पिलर कैपिंग का काम हो गया, बाकी इधर सारे में पिलर कैप लगाए जाने दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और आपको बता दूं कि इस कॉरिडोर पे, इस रूट पे 14,000 वर्कर वर्क कर रहे हैं इस पर, और 1100 सिविल इंजीनियर इस पर वर्क कर रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर ये पिलर कैपिंग का काम चल रहा है तेज़ी के साथ में, ये मशीनें लगी हुई हैं, इसमें पिलर कैपिंग किया जाएगा। पिलर कैपिंग हो जाने के बाद में इस पर लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाना है दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा जाम जुम वाला इलाका है, क्योंकि पहले तो आपको बता दूँ कि पहले कुछ टाइम पहले यहाँ पर इतना जाम रहता था, घंटों घंटों लोग फंसे रहते थे, क्योंकि दोनों साइड में ये मार्केट बढ़ा रखा था इन्होंने। तो अब ये काफ़ी दिनों बाद इस पर रोड भी चौड़ा किया गया, फिर उसके बाद में ये रैपिड रेल भी बनाई जा रही है, तो थोड़ा कंजेक्शन रहता है, लेकिन कंजेक्शन अब ये ख़त्म हो जाएगा जब ये रैपिड रेल बन के कम्प्लीट हो जाएगी, जब ये चलने लगेगी। और आपको बता दूँ दोस्तों, ये रैपिड रेल 180 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी, और इसी वजह से इसके स्टेशन बहुत दूर दूर दिए हुए हैं। अभी तो यही वर्क चल रहा है, कहीं कहीं इस पर पिलर भरे जा रहे हैं, कहीं कहीं इस पर पियर कैप का काम किया जाना है दोस्तों, किया जा रहा है। बस यही ये मोदी नगर साउथ के स्टेशन से लेकर और मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के बीच का ये नज़ारा है गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि बीच बीच में ये पियर कैपिंग का काम रह गया है, बाकी तो पियर कैप लग चुके हैं, पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, तो यही वर्क चल रहा है। तो आगे दिखाते हैं आप लोगों को, तो ऐसे ही वीडियो देखो और इन्जॉय करो दोस्तों। मैं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। और थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर। Thank you.
आ चुका है मोदी नगर नॉर्थ का स्टेशन, जो देख सकते हैं। उससे पहले ये आपको बता दूं, पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है दोस्तों। इसमें रिंग लगाए जाने के बाद में इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा। कंक्रीट भर देने के बाद में इसमें पियर कैप का काम किया जाएगा। और ये है आपका, देख सकते हैं अभी इसमें प्लेटफॉर्म लेवल के जो आर्म्स हैं वो भी स्टैंड कर लिए जा चुके हैं। अभी जो कौन-कौन से लेवल के जो बिन्स हैं वो अभी कनेक्ट किए जाएंगे, देख सकते हैं। तो अभी बीच बीच में हो गए हैं कौन-कौन से लेवल के जो दोनों साइड के बिन्स हैं वो अभी कनेक्ट किए जाएंगे। आधे में हो चुके हैं, आधे बाकी रह गए हैं। और इस पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोनों पे, जो भी इन पर ये बिन्स को ऐड कर दिया गया है दोनों का, प्लेटफॉर्म लेवल के भी और कौन-कौन से लेवल का भी। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें दोस्तों अपनी आंखों से, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो देख सकते हैं ये कौन-कौन से लेवल का ये विंग्स को ऐड करने का काम चल रहा है, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म लेवल के भी विंग्स को जोड़ा जाएगा और इसके नीचे का भी जोड़ा जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। बाकी ये बायोडक्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका है। इन्होंने ये 8-10 पिलर इस लॉन्चर में कनेक्ट कर दिए हैं और इसका मुंह है मेरठ साउथ की तरह। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, ये लॉन्चर आप लोगों को ऊपर दिखाई दे रहा होगा और ये आ रहा है मोदी नगर नॉर्थ से जोड़ता हुआ, स्टेशन से जोड़ता हुआ, और ये जा रहा है मोदी नगर मेरठ साउथ की तरफ गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें। और आप लोग बताओ कि मैं आप लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन अच्छी देता हूँ या ख़राब देता हूँ, आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ ज़्यादा से ज़्यादा। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहो केपी संत के चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर ये नाला आ जाता है तो नाले के बगल से ही यहाँ पर इसको थोड़ा सा मोड़ दिया गया है तो ये पिलर बन चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये नाला है तो ये नाले के बीच में नहीं आ सकता था, तो इस वजह से इन्होंने लेफ्ट में थोड़ा कर्व ले लिया, कर्व लेके फिर ये राइट में ही आ जाएगा अपने लेवल पे बीच में। तो अभी यहाँ पर वर्क चल रहा है दोनों साइड में, देख सकते हैं, क्योंकि पिलर को स्टैंड किया जा रहा है, इसमें कंक्रीट भरा जाएगा अभी, तो यही वर्क चल रहा है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, अभी दूसरा नाला और आएगा उसके बाद में फिर ये मेरठ साउथ स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ और आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ दोस्तों। तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, और हमें कमेंट पढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कि दूसरा जो नाला है वो भी आने वाला है। और वहाँ से आपको बता दूँ कि इसमें स्टील के गाटर रखे जाएंगे, फिर उस पर फ्लोरिंग किया जाएगा, तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। तो देख सकते हैं बीच बीच में ये पिलर अभी स्टैंड किए जा रहे हैं और इन पे पिलर स्टैंड करने देने के बाद में रिंग लगाए जाने के बाद में इस पे कंक्रीट भर दिया जाएगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। अभी ये हम चल रहे हैं मेरठ साउथ की स्टेशन की साइड में, तो देखिए बायोडक्ट यहाँ तक ये कम्प्लीट हो चुका है, आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा और भी। तो आप लोग खुद ही बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा आप सभी को। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि केपी संत द्वारा ये वीडियो कैसा लगता है आप सभी को दोस्तों। देख सकते हैं ये बायोडक्ट कितना क्लियर कर लिया जा चुका है, तो आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और इस पर पैराफिट वॉल बनाने का जो वर्क है वो चल रहा है अभी इस टाइम पे, और पैराफिट वॉल बन जाने के बाद में फिर इस पर इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगाए जाने हैं, उन पर ओवरहेड इक्विपमेंट लगाया जाना है। ओवरहेड इक्विपमेंट लग जाने के बाद ओवरहेड वायरिंग का काम किया जाना है। तस्वीरें देख सकते हो, क्या लॉन्चर उधर से आ रहा था और ये मोदी नगर साउथ की स्टेशन की तरफ जा रहा है, मेरठ साउथ के स्टेशन के लिए जा रहा है। तो यहाँ तक ये पिलर कनेक्ट कर चुका है, बाकी ये आगे के लिए काम चल रहा है। देख सकते हैं ये पियर कैप का, इस पर नापतौली का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। तो आपको दूसरा नाला आगे देखने के लिए मिलेगा, तो अभी दिखाते हैं आप लोग, बने रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूँ और इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ। और जहाँ भी आपको ग्राउंड लेवल का वर्क चल रहा है वो केपी संत आप लोगों को दिखाता रहता है और बताता रहता है दोस्तों। तो अब की बार मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि आपको फरीदाबाद साइड का अब
वीडियो देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को दोस्तों। तो आप लोग बने रहो, बस ऐसे ही प्यार करते रहो केपी संत को, और केपी संत आप लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहेगा और आप लोगों को दिखाता रहेगा और आप लोगों को इंटरटेन करता रहेगा दोस्तों। मेरा बस यही है कि आप लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो केपी संत को, ज़्यादा से ज़्यादा केपी संत के चैनल पर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो केपी संत को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोज़ को केपी संत के, और आप लोगों के बीच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाता रहूँगा हर जगह की। तो देख सकते हैं दूसरा नाला ये आ चुका है और दोनों साइड में देख सकते हैं ये पिलर का काम चल रहा है, अभी स्ट्रक्चर भरा जा रहा है। देख सकते हैं अभी दोनों पिलर को कनेक्ट किया जाएगा और कनेक्ट हो जाने के बाद में फिर इस पर आपको बता दूँ इस पर गाटर लगाए जाएंगे, यानी कि स्टील के गाटर लगाए जाएंगे, और वो गाटर आगे रखे हुए हैं आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग अपनी आँखों से देख लो कि किस टाइप के गाटर हैं। कि ये कंक्रीट के गाटर नहीं लगाए जाएंगे, लोहे के गाटर लगाए जाएंगे, यानी कि स्टील के गाटर लगाए जाने। तो गाटर देख सकते हैं ये रखे हुए हैं यहाँ पे इस जगह, देख सकते हैं ये गाटर रखे हुए हैं, ये गाटर लगाए जाएंगे ये इस वाले नाले पे। तो आप लोग खुद ही अपने देख सकते हैं ये गाटर लगाए जाने और ये गाटर लगाए जाएंगे, फिर इन पर फ्लोरिंग किया जाएगा। फ्लोरिंग कर देने के बाद में इस पर बैच पैराफिट वॉल लगाए जाएंगे साइडों में, ऐसे ही वर्क चलेगा। और आगे आने वाला है अब मेरठ साउथ का स्टेशन RRTS का दोस्तों, तो वो मैं आप लोगों को अगली वीडियो में दिखाएंगे और बताएंगे भी। तो देख सकते हैं सामने ये लॉन्चर लगा हुआ है, तो आप लोग खुद ही बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। तो देख सकते हैं लॉन्चर किस तरीके से वर्क करते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइड।